एवरीवन, आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मजेदार सीख कबाब, जिसके लिए हमें जो चीजें रिक्वायर्ड है देखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कीमा, इसको धो के हमने अच्छे तरीके से जो है वो ड्राई कर लिए। 1 किलो के करीब ये कीमा है। इसके बाद हमें पुदीना चाहिए, धनिया चाहिए और हरी मिर्चें चाहिए। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद ये कुछ इसका गर्म मसाला है, क्योंकि आप यहाँ पे मोस्टली मैं आपको दिखा देती हूँ। जीरा तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, कबाब चीनी 1/4 टीस्पून के करीब, कुछ लॉन्ग पेपर्स मैंने लिए हैं जिनको पिपली भी बोलते हैं, और कुछ काली मिर्चें मैंने ली हैं। इसके अलावा एक बड़ा प्याज मैंने लेकर और उसको जो है वो अच्छे तरीके से कद्दूकस करके इसका पानी निकाल लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया और मोटा मोटा दरदरा कूट लिया मैंने इसको, क्योंकि मैंने भी इसको कीमे के साथ और मजीद जो है वो पीसना है। फिर नमक चाहिए, नमक हसबे जायका है। पीसी हुई लाल मिर्च जो है ये मैंने लिया 1/2 टीस्पून के करीब, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ली है। बेकिंग सोडा लिया है 1/2 टीस्पून, 1 टेबल स्पून धनिया, साबुत धनिया और 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। सो अब हम इसका प्रोसेस देखते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे। ये धनिया, पुदीना और गर्म मसाला और साबुत धनिया, ठीक है, और साथ हरी मिर्चें, ये मैंने डाल के इसको मोटा मोटा भून लिया है। अब मैं इसको जो है वो कीमे के साथ ऐड करूँ। अच्छा जी, इसमें मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, साबुत धनिया और जो है गरम मसाला डाल के इसको मोटा मोटा कूट लिया। अब मैं कीमे को और मजीद बारीक करूँगी प्याज और अदरक लहसुन के साथ, और फिर इसके अंदर बाकी सारे मसाले ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँ। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कीमा मैंने हरे मसाले के साथ और गरम मसाले के साथ मिक्स कर लिया। इसी के अंदर मैं प्याज ऐड करी। प्याज को ऐड करते हुए अच्छे तरीके से इसको फिर स्क्वीज कर लें ताकि इसका पानी निकल जाए। इसमें पानी ऐड नहीं करना। अगर आपको लगे कि आपका कीमा अभी भी मोटा है तो इसको अच्छे तरीके से फिर चॉपर में चॉप कर लें इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ ऐड करके, क्योंकि अगर ये मोटे होंगे या फिर ये अच्छे तरीके से मैश नहीं हुए होंगे तो फिर ये जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने इनको सीखों पर लगाना है। इसी में हम इसमें अदरक लहसुन डाल रहे हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं आप और ददरा भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको एक दफ़ा फिर चॉपर से निकालना है। ये नमक है और सूख मिर्च है जो कि मैं इसमें ऐड करी। छोटी भी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून के करीब है ये, आप अपने हसबे ज़रूरत जायके के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। फिर ये मीठा सोडा है जो कि तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब है जो कि मैं इसमें ऐड करी, और ये 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल है जो कि मैं इसमें ऐड करी। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, फिर मुझे लगा कि इसको चॉपर में डालने की ज़रूरत है तो मैं इसको चॉपर में डाल के एक दफ़ा फिर चॉप कर लूँ ताकि सारे मसाले इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है, इसमें सारी चीज़ें मैंने डाल दी। इसको एक दफ़ा फिर चॉपर से निकाल लिया है ताकि ये फाइन हो जाए। अब हम ये मैंने स्क्यूअर्स लिए हैं, उनके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगा लिया है। इसके थ्रू मैं सीख कबाब बनाऊँगी। अपनी मर्जी की शेप आप इसमें बना सकते हैं सीख कबाब की, जितना भी साइज आप रखना चाहें इसका। हम इस तरह से इसको बना कर स्क्यूअर्स पे से उतार के इसको रखते जाएंगे ट्रे में ताकि हम इनको फ्राई कर सकें। आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं और बारबी भी कर सकते हैं। स्क्यूअर के ऊपर लगाया था और ये बारबी वाली सीख है। आप इजीली इस मसाले को लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। इसको अपनी मर्जी की शेप दें, आए टूट के गिरेंगे बहुत ही अच्छे बनेंगे। फिर हमारे मज़ेदार सीख कबाब रेडी हैं। आप इनको हाफ टर्न करके फ्रीजर में रख भी सकते हैं 1 महीने तक रैप करके। तो मैं इसमें से कुछ मैंने जो है वो अपने डिनर के लिए रख ली हैं और मैं बाकी जो है इनको कंजर्व कर रही हूँ फ्रीजर में रखने के लिए। तो इसको रैपिंग शीट में हम रैप करेंगे, तो आप इसको जो है फ्रीजर में 1 मंथ के लिए रख सकते हैं। और रैपिंग शीट रहना इस पर ज़रूरी है ताकि इसमें कोई स्मेल वगैरह ना जाए। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी रेसिपीज़ को अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।